तो फाइनली कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के लिए आ चुका है और ऑलमोस्ट ये बात सभी लोगों को पता है कि भाई कॉल ऑफ ड्यूटी फ़ोन के लिए आ चुका है, लेकिन अभी सीन ये है कि ये गेम जो है वो अर्ली एक्सेस पीरियड में है। अर्ली एक्सेस पीरियड मतलब कि अगर आप अभी अपने फ़ोन में प्ले स्टोर पर ये गेम को सर्च करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी, तो आपको इस तरीके का प्री रजिस्टर जो है वो बटन दिखेगा और नीचे लिखा रहेगा कमिंग सून। इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के लिए आपको परमिशन वगैरह इनेबल करके रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके रजिस्टर करने के बाद भी आप ये गेम जो है वो डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर सकते, आपको 1 से 2 दिन का वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा और तब जाके आप ये गेम को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो भाई सीधी सी बात है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 2 से 3 दिन वेट करें एक नॉर्मल गेम को खेलने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप कॉल ऑफ ड्यूटी को डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोन में डायरेक्टली खेल सकते हैं तुरंत। तो इस वीडियो पर आप बने रहिए क्योंकि मैं बहुत ही ईजी प्रोसेस के थ्रू बताने वाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप तक ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूँ और आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूँ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स। तो गाइस मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं tech+gadgets.com। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप लोगों को 2 फाइल्स को डाउनलोड करना है। पहली जो फाइल होगी वो APK फाइल होगी और दूसरी फाइल जो होगी वो OBB फाइल होगी। OBB फाइल का मतलब ये है कि जितना भी डेटा रहेगा आपके गेम का उस फाइल के अंदर रहता है। और इन दोनों की जो लिंक है, डाउनलोड लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में देख रखी है। तो आप सिंपली वहाँ जाके इन लिंक्स को ओपन कर सकते हैं और इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कैसे आप लोगों को जो है APK डाउनलोड करनी है। तो इस तरीके की जो है APK मिरर करके वेबसाइट है, ये आपको वेबसाइट पर वो रिडायरेक्ट कर देगी लिंक, और आपको स्क्रोल डाउन करना है सिंपली और यहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक जो APK है वो लिखा आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद ये दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करेगा और जो एक डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है और जो है आपकी APK जो फाइल है इस गेम की वो जो है डाउनलोड हो जाएगी। और डाउनलोड होने के बाद आपको जो है OBB फाइल को भी इसी तरीके से करना है, लेकिन इसमें आपको कोई वेबसाइट नहीं खुलेगी, मैंने डायरेक्टली एक लिंक देके रखी है। तो उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड होने लगेगी आपके कोई भी ब्राउजर में, और वो जिस जहाँ पे भी आप उसको रखना चाहते हैं आप उसे अभी रख दीजिए। उसके बाद की प्रोसेस जो है वो मैं APK इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को बताता हूँ। तो APK डाउनलोड होने के बाद आपको इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। आपसे ये परमिशन वगैरह मांगेगा अननोन सोर्स वगैरह की, तो आपको परमिशन दे देनी है। इसके बाद आपको जो है ये APK इंस्टॉल कर लेना है। तो सिंपली ये जो है थोड़ा बहुत टाइम लेके ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारे गेम की एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। इस तरीके का लोगो जो है आपको होम स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा, लेकिन आपको इसको खोलना नहीं है अभी क्योंकि इसकी जो बाकी की फाइल है जो OBB फाइल है वो अभी इसमें डली नहीं है। तो उसके लिए आपको सिंपली जो भी जो सेकंड लिंक मैंने आपको बताई है, जो आप वहाँ से जो फाइल डाउनलोड करेंगे उसको आपको सिर्फ OBB करके जो एंड्रॉइड के अंदर फोल्डर होता है वहाँ पे मूव करना है। तो आपको बस अपने फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप एंड्रॉइड के जब फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक OBB करके फोल्डर मिल जाएगा। अगर ये आपको फोल्डर नहीं मिलता है तो ये आप खुद बना लीजिए और यहाँ पे जाके वो जो भी फाइल होगी उसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। बस ये 2 सिंपल से स्टेप है। इसके बाद जो है अपने गेम को इंस्टॉल करके आराम से खेल सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन प्री रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप फेसबुक से लॉगिन करिए और गेम को जो है बड़े आसान तरीके से खेल सकते हैं। तो मैं आपको छोटा सा एक गेम प्ले भी इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। तो इसके लिए जो है मैं आप लोगों को पूरी स्क्रीन में जो है इस गेम को खेल के बताऊँगा। तो हम फटाफट से इस गेम को खोल लेते हैं और आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या नया हमें कॉल ऑफ ड्यूटी में देखने को मिल जाता है। क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि भाई ये जो गेम है वो टेंसेंट गेम नहीं बनाया है, जिसने पबजी वगैरह बनाया है। तो इसकी जो कंट्रोलिंग वगैरह है वो ऑलमोस्ट सेम है पबजी की तरह, लेकिन इस गेम को खेलने के बाद देखते हैं कि क्या हमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए इस गेम में फटाफट से चले जाते हैं।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर दीजिए, और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसी वीडियो जो है मैं आप तक लेकर आता रहूँ। और अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस वीडियो और या अदर कोई टेक्नोलॉजी गैजेट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट जो है आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पर कमेंट करिए, मुझसे पूछिए, मैं आपके क्वेश्चन का पूरा 110% जो है जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा और आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।